देश भर में इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में बहुत जल्दी ही निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में टिहरी के प्रत्याशी निर्दलीय बॉबी पवार जन भ्रमण पर है और जन मिलन कार्यक्रम कर रहे हैं। हाल ही में बॉबी पवार पिथौरागढ़ गए थे। पिथौरागढ़ में उन्होंने लोगों से जनसंपर्क किया और अपनी बात रखी। हमेशा उन लोगों की बात उठाते हैं बॉबी पवार जो उत्तराखंड में बेरोजगार रहते हैं युवा, और मेरे साथ ऐसे एक युवा और बॉबी पवार में बहुत जल्दी ही शामिल होने जा रहे हैं। वैसे तो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से और लेफ्ट विंग से जोड़ने वाले चंचल बोरा पिथौरागढ़ जनपद से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है बोरा जी, बहुत बहुत स्वागत K24 न्यूज में। धन्यवाद सर आपका K24 न्यूज के माध्यम से दर्शकों से रूबरू कराने के लिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। ये जो नई लहर और नई बयार जो उत्तराखंड में आई है, बॉबी पवार की नाम की आंधी वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, अब उनकी नजर मुझे लगता है कि विधानसभा पर भी है, और साथ ही जो निकाय चुनाव है उस पर क्या उनकी भूमिका होगी, क्योंकि आपसे वो पिथौरागढ़ में मिले, काफी देर तक आप लोगों की चर्चा हुई, आपका क्या रोल होने जा रहा है, इस सभी चीजों पर आपसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहूंगा बोरा जी। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो होना था, कुमाऊँ भ्रमण का जो प्रोग्राम होना था, ये लोकसभा चुनाव से पहले रोजगार संघ के पदाधिकारियों का होना था, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए तो उसके तहत तमाम बेरोजगार, प्रदेश भर के बेरोजगारों ने बॉबी भाई से ये कहा था कि जब लड़ाई सड़कों पर उतर कर या लाठियां खाकर अगर हमें परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोगों को अब संसद के भीतर घुसकर जो है इन राजनेताओं को चुनौती देनी होगी। और उसके तहत इस प्रदेश के तमाम बेरोजगारों ने लामबंद होकर बॉबी भाई को लोकसभा चुनाव टिहरी संसदीय सीट से लड़ाया था। ये प्रोग्राम जरूर डिले हुआ जी है क्योंकि इसके बाद नगर पालिका चुनाव है, जिला पंचायतों के चुनाव है, और उसके बाद 2027 में विधानसभा के चुनाव है, जैसे आप कह रहे हैं। जी देखिए, हम लोगों का सीधा सीधा ध्येय है, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, किताब के पन्नों को पलटते हुए अपने सुनहरे भविष्य का सपना सजोने वाले लोग थे। लेकिन इस सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने, इस डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार ने जिस तरह से हम लोगों पर तमाम धाराएं लगाई और जिस तरह से हम पर लाठियां बरपाई, उससे हम लोगों ने तो ये तय कर दिया कि जो बेरोजगार सपने सजो रहा है रोजगार के लिए, तो उसके लिए पारदर्शी रोजगार होना जरूरी है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ साथ में, क्योंकि ये लड़ाई बहुत छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई जो है भ्रष्टाचार में लिप्त तमाम जो राजनेता हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ये लड़ाई है। तो इसलिए हम लोगों को संसद के साथ साथ विधानसभा और पंचायतों और नगर निगम नगर पालिकाओं में भी हम लोगों को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। ये एक बेरोजगार संघ ने पूरे उत्तराखंड के भीतर ये आह्वान किया है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम BDO, BPDO, जिला पंच, आपके जो है कनिष्ठ सहायक, तमाम पदों पर जा सकते हैं, तो क्यों नहीं बेरोजगार राजनीति में आकर इस राजनीति की धारा को बदलने का रुतबा रख सकता है। इन तमाम चीजों पर हम लोगों का विचार जी विमर्श हुआ है। जी बहुत बढ़िया बात कही आपने, क्योंकि बेरोजगार जो है वो क्यों नहीं संसद पहुंचे और क्यों नहीं विधानसभा पहुंचे, सही बात कही आपने। लेकिन बॉबी के सामने आपकी फोटो लगी है चंचल भाई, क्योंकि आपका जो विचारधारा आज तक जानी जाती, कांग्रेस विचारधारा से आप जाने जाते थे, क्या आपने परिवर्तन की तरफ आप बढ़ गए हैं? क्या बॉबी जी ऑफिशियली कब अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे? क्या आप बॉबी पवार में शामिल हो चुके हैं? सर, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि 2008 में मैं 12वीं पास हुआ और उसके बाद मैं CPIML के छात्र संगठन आईसा से जुड़ा। लगभग एक पूरा दशक हमने आईसा के साथ काम किया है और पढ़ने और लिखने की राजनीति और समाज को बदलने की राजनीति हमने वहां से सीखी है। लेकिन 2019 के उपचुनाव, पिथौरागढ़ में 2019 के उपचुनाव में बेरोजगार संघ के नाते हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का यहाँ पर समर्थन किया था। और उस दौरान भी हम लोगों को, जब वहाँ मुख्यमंत्री आ रहे थे, हम लोगों को जो है बंद, नजरबंद करने का काम इस सरकार ने किया था, क्योंकि उनको पता था कि बेरोजगार अगर लामबंद होगा तो इनके उपचुनाव भी वो हार सकते हैं। और उसके बाद जरूर हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर इस तानाशाह सरकार, भले वह केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, उसके खिलाफ जरूर हमने आवाज बुलंद की और हम लगातार आगे भी आवाज बुलंद करते आएंगे। रही बात जहां तक बॉबी पवार जी के पार्टी में हमारे बॉबी पवार जी के पार्टी में जो बॉबी पवार जी हैं उनके साथ शामिल होने की, हमारी लड़ाई बेरोजगारों की लड़ाई है,
सबसे पहली प्राथमिकता हमारे बेरोजगारों के साथ लामबंद होकर इस देश में पारदर्शी परीक्षा कराने की लड़ाई है और समय पर परीक्षाएं कराने की लड़ाई है, और दूसरी जो है जो अभी तक जो तमाम भ्रष्टाचार हुए उन भ्रष्टाचारों की सीबीआई जांच कराने की हमारी एक बड़ी लड़ाई है। अब भविष्य के गर्त में क्या छुपा है क्या नहीं छुपा है ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन हमने ये तय कर लिया है कि हमारी लड़ाई बड़ी लड़ाई है, तो इस बड़ी लड़ाई को हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, और 2027 हो, नगर पालिका हो या पंचायत चुनाव हो, उन तमाम जगहों पर हमारा हस्तक्षेप रहेगा। और रही बात मेरी कांग्रेस पार्टी से शामिल होने की, तो मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी जो है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जन मुद्दों पर ये लड़ाई हो रही है, लोगों के मुद्दों पर ये लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि हम अगर जन मुद्दों को लेकर किसी साथी का साथ दें तो उसको निष्कासित कर दिया जाए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह अलोकतांत्रिक नहीं, नहीं है। बोरा जी, अगर अगर बॉबी पार्टी बनाते हैं, ऑफिशियली पार्टी बनाते हैं बॉबी पवार, तो क्या आप कांग्रेस में रहेंगे या बॉबी पवार के पास शिफ्ट हो जाएंगे? पहला ये सवाल। संभावनाएं तो भविष्य की, देखिए ये संभावनाएं तो भविष्य के गर्त में छुपी हुई है, लेकिन ये है कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर बॉबी भाई तमाम बेरोजगारों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी अभी मैं आपसे पूरी तरह से खुल के बात नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने अभी एलटी के फॉर्म भरे हैं, और हम लोगों ने तमाम तरह के अभी लेक्चरार के फॉर्म आने हैं, उन फॉर्मों को भी हम लोग भर रहे हैं। हो सकता है कल के दिन हम सरकारी रोजगार में चले जाएं, लेकिन सरकारी रोजगार में जाने के बावजूद भी हम लोग आने वाली पीढ़ी के रोजगार के लिए सरकारी तंत्र में रहकर भी लड़ेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता तो जब जनपद पिथौरागढ़ में बॉबी पवार आए थे, तो उन्होंने किन किन मुद्दों को लेकर सबसे ज्यादा उठाए थे और क्या क्या मुद्दे उनके सामने युवाओं ने रखे? हूं। बॉबी भाई ने एक चीज ये कही थी कि हम लोग जब बेरोजगार संघ इस दौर में हमारा बना 2018 के बाद, जब हमारा ने बेरोजगार संघ नए रूप में पुनर्निर्माण के रूप में आया, तो हमको लगा था कि एक बहुत छोटी लड़ाई है, हमको लगता था कि चंद लोग होंगे तो शायद वो इतनी लड़ाई लंबी लड़ाई हम लोगों को नहीं लड़नी पड़ेगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग तह तक गए तो हमें लगा कि इसके तार जो है ये सचिवालय तक जुड़े हैं, इसके तार सचिवालय से होते हुए मुख्यमंत्री के आवास तक और तमाम मंत्रियों के आवास तक जुड़े हुए हैं, तो ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई को जिस तरह से हमने टिहरी सीट पर लड़ी है उसी तरह से हम तमाम जगहों पर इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये राज्य 24 साल पहले तो बोरा जी, टेरी से ये सवाल लेता हूं आपसे। टेरी में आपके धुनसोला साहब है और सीधा टक्कर है बॉबी पवार का, तो किसको आप विजय देखना चाहते हैं? 4 जून पर वो किसके हक को फैसला आएगा? बिल्कुल मैं चाहता हूं कि बॉबी पवार जैसे युवा संसद में पहुंचे, जो आम लोगों की बातें जो है वो संसद में रखें, बेरोजगारों की बातें संसद में रखें। अब दूसरा सवाल आपका ये होगा कि आपकी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार वहां पर लड़ा था, तो जरूर वो लड़े हैं और मजबूती के साथ वो भी लड़े हैं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत रूप से कह दूं, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से कहूं तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि बॉबी पवार जैसा युवा संसद में पहुंचेगा तो इस उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं की आवाज संसद में। बिल्कुल बिल्कुल चंचल जी, आपने बहुत ही ईमानदारी से सवाल का जवाब दिया और ये वाकई में पूरी उत्तराखंड की जनता, खासतौर पर युवा, चाह भी रहे कि बॉबी पवार इस बार संसद पहुंचे और संसद में उत्तराखंड के बेरोजगारों की, उत्तराखंड के युवाओं की आवाज बनकर वो संसद में रखें, ऐसा उत्तराखंड की मांग है। तो क्या 2027 डीडीहाट से आपको हम देख सकते हैं दावेदारी करते हुए? ये तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ कि भविष्य के गर्त में है, और जब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जब हम सरकारी नौकरी पर जाकर इस सरकार का हिस्सा बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इतना कुछ पढ़ने लिखने के बाद, इन तमाम राष्ट्रीय आंदोलनों से रूबरू होने के बाद, राज्य गठन को लेकर तमाम तरह के आंदोलनों को से रूबरू होने के बाद, अगर जब हम कह रहे हैं कि राजनीति गंदी है, तो उस राजनीति को गंदी राजनीति को साफ करने के लिए हम लोगों को राजनीति में उतरना पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, भले पंचायतों में देख लीजिए, आप नगर पालिकाओं में देख लीजिए, या फिर विधानसभाओं में या संसद में, किस तरह के लोग पहुंच रहे हैं। जब हमारी नीतियां, जब हम एक पेन लेते हैं तो उसको टैक्स देते हैं, और जब हमारी नीतियां, हमारी शिक्षा कैसी होगी, हमारा रहन सहन कैसे होगा, हम कैसे कपड़े पहनेंगे, सारी राजनीति तय कर रही है, तो फिर क्यों नहीं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, ये हम कहते हैं। जब हम कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग, हमारा भी मन है, हमारा मन इसलिए नहीं है कि हम विधायक बन जाएं या नगर पालिका प्रमुख बन जाएं तो हम बड़े बड़े जो है क्रेशर ले लें या बड़े बड़े घर चलाएं,
हम लोग उन पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब समाज सेवा होती है, हम जानते हैं कि राजनीति का मतलब लोगों की सेवा करना होता है, और हम ये भी जानते हैं कि जिस दिन पढ़ा लिखा युवा राजनीति के भीतर आकर राजनीति करने लगेगा या चुनाव लड़ने लगेगा, इस देश की दिशा और शंकर दशा जरूर बदलेगी। तो हम जरूर भाई, 2027 में हम करेंगे दावेदार। क्या आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में इस समय नगर पालिका हो या फिर जिला पंचायत हो, सब जगह ठेकेदार बैठे हैं, सिर्फ ठेके के लिए काम चल रहे हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि जिसका अनुभव या जिसकी शिक्षा जितनी होगी वो उसी हिसाब से सोच सकता है। मैं जो राजनीति में जो लोग आए हैं, भले ही वो जिला पंचायत के रूप में हो, वो ठेकेदारी कर रहे हो, तो मैं उनका उनको उस रूप में बुरा नहीं मानता, क्योंकि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति तो केवल अपने रोजगार तक सीमित है। आज आप ग्रामीण इलाकों में देख लीजिएगा, पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति अपने रोजगार तक सीमित है, वो सिर्फ ये चाहता है कि इन पल्ले झड़नों में हमको नहीं पढ़ना है, हमको एक सरकारी रोजगार मिल जाए जिससे हम अपने बच्चों अपने माता पिता का पालन पोषण करें। लेकिन अब इस सोच को बदलना पड़ेगा, ये सोच बदली है कुछ सालों में इस पहाड़ के भीतर, भले दिल्ली से लेकर पहाड़ के भीतर सोच बदली है। जैसे कन्हैया कुमार जैसे नेता जब राजनीति में आए तो तमाम हम जैसे लोगों को एक उम्मीद जगी कि वास्तव में बिना संसाधनों के बॉबी पवार जैसा व्यक्ति अगर राजनीति में आकर, जिसके घर में पिता नहीं है और माता है जो नहीं, किसी छोटे आंगनबाड़ी या कहीं वहां पर काम कर रहे हैं, चंचल तमाम भाई, लोग अगर बड़ा कुछ सवाल, बड़ा सवाल जी, चंचल भाई, बड़ा सवाल, यहाँ पर आपने एक मिनट बड़ा बात सवाल पूरी कर कर दिया लूं, है जी, बिल्कुल आप खत्म कीजिए जी, जल्दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिना संसाधनों के अगर हम बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए कि अपनी शिक्षा के दम पर, अपनी ईमानदारी के दम पर हम लोग लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव से किनारा करेंगे, हम लोग लड़ेंगे चुनाव और बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं उसी सवाल पर आता हूँ। देखो, आपने कंपैरिजन कर दिया है कन्हैया कुमार और बॉबी पवार का। कहीं ना कहीं कन्हैया कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है, जो लगातार उनके बारे में कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग उनको बोला जाता है। क्या आप उनका कंपैरिजन कर रहे हैं बॉबी पवार के साथ? देखिए, ये देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, इस देश में अगर वो जी टुकड़े टुकड़े गैंग कौन बोलती, आम आवाम तो बोलती नहीं है, बोलते कौन है, जो विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर वास्तव में वो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपका हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्रियों को अगर जेल में डाल दिया जाता है, तो क्यों पिछले 8-9 सालों से कन्हैया कुमार आजाद घूम रहे हैं। मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से करना चाहता हूं, एक टुकड़े टुकड़े गैंग के व्यक्ति को 2 बार लोकसभा चुनाव क्यों लड़ने दिया जा रहा है, ये सिर्फ एक भ्रामक प्रचार है और कुछ नहीं है। मैं कन्हैया कुमार और बॉबी पवार जी की तुलना इसलिए कर रहा हूँ, कन्हैया कुमार की माता जो है वो आंगनबाड़ी में काम करती है, और एक आंगनबाड़ी सहायिका की आज तनख्वाह कितनी है आप भली भांति जानते हैं हमारे पहाड़ों में। उसी तरह से बॉबी बिल्कुल पवार की माता भी किसी एक जगह पर काम करती है, जहां तक मुझे याद है वो भी कहीं आंगनबाड़ी या किसी हॉस्टल में है। तो जब इस तरह के लोग राजनीति में आकर राजनीति की धारा को बदल सकते हैं, तो हम लोगों को एक नई उम्मीद मिली है, हम लोगों को एक नई रोशनी की किरण दिखी है कि इस राज्य को बनाने के लिए जितना संघर्ष किया है, इस राज्य के बनने के बाद 24 साल बाद जो हमें उम्मीदों पर ये राज्य नहीं मिला है, उसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई हम लोगों को लड़नी है। तमाम पढ़े लिखे युवाओं को अब राजनीति में आने की जरूरत है। चंचल भाई, जहां पर कन्हैया कुमार की बात कर रहे हैं आप, कन्हैया कुमार को तो बिहार के बेगूसराय से लोगों ने उनको पराजित किया, उसके बाद उनको दिल्ली आकर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। यहाँ एक तरफ बॉबी पवार की बात, उनकी तुलनात्मक बात करते हैं तो बॉबी पवार का जनाधार तो पूरे उत्तराखंड में, क्या टेहरी में बॉबी पवार के साथ ही वही होगा जो कन्हैया के साथ बिहार में होगा? तुलनात्मक बात कहाँ हो सकती है दोनों की? देखिए सर, चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव जीतना और हारना एक अलग बात है। कन्हैया कुमार के खिलाफ गिरिराज सिंह लड़ रहे थे केंद्रीय मंत्री, आज भी बॉबी पवार के साथ टिहरी रियासत की महारानी लड़ रहे हैं। आप दोनों में देख लीजिएगा, दोनों के पास कितना धन बल कितना बाहुबल है, और दूसरी ओर कन्हैया कुमार और बॉबी पवार के पास कितना धन बल बाहुबल और संगठन है, था 2019 की अगर मैं बात करूं। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम ये देखते हैं कि चुनाव जब कोई व्यक्ति लड़ रहा होता है, वो कितनी ईमानदारी के साथ अपने वैचारिक सिद्धांतों के साथ वो चुनाव लड़ रहा है, केवल वो बातें कर रहा है या फिर अपने सिद्धांतों पर, जिन सिद्धांतों के लिए उसको जनता ने एक्सेप्ट किया है, उन सिद्धांतों पर वो चुनाव लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, ये बड़ी बात है। देखिए, चुनाव लड़ना इस देश के लोकतंत्र का हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार बेगूसराय बिल्कुल से हार के आप वो दिल्ली आ कर रहे, ये दिल्ली और ये बेगूसराय और ये डिहियाट या ये पिथौरागढ़ इसी देश का हिस्सा है, हम इसको अलग बिल्कुल अलग जी
गढ़वाल और कुमाऊं या बिहारी या राजस्थानी में बांटकर इस देश की अखंडता को भी हम लोग कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो लगातार करते आया हुआ है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए और चुनाव मजबूती के साथ लड़ा जाए। हार और जीत का परिणाम जो भी हो, हमें अपनी बातें पहुंचानी है। सड़क पर लड़कर पहुंचा रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, तो इनको अब चुनाव में लड़कर पहुंचाने के लिए हम लोग की कोशिश है। चलिए फिर से उत्तराखंड की तरफ लौटते हैं हम। उत्तराखंड में इस समय जो है जो निकाय चुनाव के लिए तैयारियां चल रही है लगातार, और आप मुझे बताइए कि बॉबी पवार की तरफ से कितने सीटों पर दावेदारी होगी और कितने सीट पर वो अपने समर्थकों को, अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। निकाय चुनाव का जहां तक है, क्योंकि अभी अभी लोकसभा चुनाव निपटे ही हुए हैं उत्तराखंड के भीतर, निकाय चुनाव को जी लेकर उनका कहना है कि जहां जहां हमारे लोग मजबूत हैं, उन लोगों से बात की जाएगी। एक बड़ी मीटिंग हम लोग इसके बाद करने जा रहे हैं, उन लोगों से बात की जाए जो लोग इच्छुक हैं कि उन्हें नगर पालिका चुनाव, और बिल्कुल वो दागदार लोग नहीं होने चाहिए, वो जो है वास्तव में जनता के हितों को लेकर सोचने वाले लोग होने चाहिए। उन तमाम विषयों पर हम लोगों की अभी एक बड़ी चर्चा होनी है, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और कितने सीटों पर नहीं लड़ेंगे, या लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये पूछने का है। लेकिन चुनाव भविष्य के हिसाब से लड़ेंगे जरूर, अब इस बार नहीं तो अगले बार। जी, बिल्कुल। चंचल बोरा जी का क्या रोल रहेगा? चंचल बोरा जी निकाय चुनाव लड़ेंगे या फिर सीधा आप विधानसभा चुनाव की दावेदारी डीडीआर से पेश करेंगे? अभी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि अभी तो हमारे मेन एग्जाम हैं, पिछले 2-3 महीनों के अंदर बहुत सारे एग्जाम हैं, उन एग्जामों की तैयारी पर हम लोग लगे हुए हैं। हो सकता है अगर पारदर्शी तरीके से पेपर रहे तो हो सकता है सिलेक्शन भी हो जाए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं मना नहीं कर रहा हूँ चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव हम लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो मैं अभी से आपको नहीं कह सकता हूँ कि मैं कौन सा चुनाव लड़ूंगा कौन सा नहीं लड़ूंगा, और बेरोजगार संगठन के तमाम लोग हैं उन लोगों से भी हमारी राय ली जाएगी, तमाम सामाजिक संगठन है उन लोगों से भी राय ली जाएगी। जरूरी नहीं कि मैं ही चुनाव लड़ूं, हो सकता है बेरोजगार संगठन से कोई और साथी हमारा चुनाव लड़े। ये चंचल भाई, दो उपचुनाव भी होने हैं, दो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, और बद्रीनाथ में तो लगभग तय माना जा रहा है कि बॉबी अपना प्रत्याशी उतारेंगे यहां से। कौन वो चेहरा हो सकता है? सर वही है, अभी हम तो पूरे कुमाऊं भ्रमण में हैं, इसके बाद एक मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एक बड़ी मीटिंग हम लोगों के देहरादून में होनी है, उसके बाद ही हम लोगों को आपको बता सकते हैं कि, क्योंकि अभी उपचुनाव की अधिसूचना भी जारी नहीं हुई है, लेकिन चुनाव लड़ेंगे ये तय है। कौन लड़ेगा ये मैं अभी आपको एग्जैक्ट नाम नहीं बता सकता, क्योंकि दावेदारों की कमी तो हमारे पास भी नहीं है। जी बिल्कुल, लगातार जैसे कि बेरोजगार संगठन उभर कर उत्तराखंड में आ रहा है, और बेरोजगार संगठन अच्छा कार्य भी कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं रोजगार देने के लिए बेरोजगारों को साथ लेकर जो बॉबी चल रहे हैं वो सकारात्मक है। और उत्तराखंड में कहीं ना कहीं युवा अगर आएंगे तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की दशा और दिशा दोनों बदलने के चांसेस है। जो वीआईपी कल्चर है वो समाप्त हो सकता है। ये थे हमारे साथ पिथौरागढ़ से चंचल बोरा जी, जो बॉबी पवार की विचारधाराओं से सहमत भी हैं, आने वाले समय पर बॉबी पवार के साथ दिख भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल बोरा जी, धन्यवाद आपका K24 न्यूज से जुड़ने के लिए सर बहुत आपका, बहुत और तमाम धन्यवाद दर्शकों का भी सर। धन्यवाद। थैंक यू। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।